other people, loving Abu Dhabi, loving Wisandri. Right. What can we expect from you hosting IFA? बताता हूँ पूरा प्रोग्राम बताता हूँ. दोस्तों, किंग खान शाहरुख अबू धाबी जाने के लिए एयरपोर्ट पर नजर आए तो फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली. शाहरुख खान अवार्ड शो को होस्ट करने के अबू धाबी जा रहे हैं, वहीं उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ आ गई. वहीं दोस्तों, शाहरुख ने अपने हेयर कट करवा लिए हैं और उनका यह नया लुक भी काफी शानदार लग रहा है. वहीं शाहरुख अपनी अगली फिल्म किंग को लेकर काफी चर्चित रहते हैं. इस फिल्म का बजट 400 करोड़ के आसपास है, जो काफी ज्यादा पैसा है. शाहरुख ने सोच लिया है कि वो अपनी फिल्म द किंग को बड़े पैमाने पर शूट करेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं. इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी. वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे. अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं. खबरों की माने तो 3 बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे, जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं. इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है, जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा. उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद इटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया. और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं. फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं. खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं.